सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चंस के पहले साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन नंबर्स का क्या होता है, कि नंबर्स का साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है। तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन का क्या यूज़ है, कि या तो नंबर्स बहुत बड़े हों या बहुत छोटे हों, तो उस केस में उसको इस तरीके से सिंपली राइट डाउन कर देना कि जैसे 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये एक तरह से बहुत बड़ा नंबर है। या जैसे कोई एक छोटा सा नंबर ले लूँ मैं, 0.00000000032। तो बच्चों, इन नंबर्स को एक बार लिखना तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही नंबर्स को बार बार लिखना कन्वीनियंट होगा क्या, कि बार बार मैं इस नंबर को लिखूँगा तो इतने बड़े नंबर को लिखूँ, या इतने छोटे नंबर को अगर मैं बार बार लिखूँ बच्चों, तो मेरे लिए ये चीज़ कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसको कोई मुझे बोलेगा कि 100 बार लिखो, तो 100 बार तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा बच्चों इसको लिखने में। तो बच्चों, इन नंबर्स को इस तरीके से बार बार लिखना बच्चों पॉसिबल नहीं है, तो साइंटिफिक पर्पस के लिए, क्योंकि साइंटिफिक पर्पस में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कैलकुलेशंस होती है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होती है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे आपको यहाँ से सन तक का डिस्टेंस नापना है, अर्थ से आपको प्लूटो तक का डिस्टेंस नापना है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे एक दिन में पूरे वर्ल्ड में लोग कितने कॉल्स करते हैं, तो मतलब एक रफ़ एस्टिमेट बहुत बड़ा नंबर होगा। तो उस बड़े नंबर्स को शो करने के लिए बच्चों क्या यूज़ होता है, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ होता है। कि उसको एक तरह से हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसकी हेल्प से उस नंबर को हम कंप्रेस करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ होता है। क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ होता है। तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरीके का है कि उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो एक नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में होगा, मतलब उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होना चाहिए, कि जो नंबर है उसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका 10 की इंटीजर पावर्स में होना चाहिए। मतलब ये जो 10 की जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए। तो वो मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो दो पार्ट में लिखा जाता है, साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है बच्चों, कि 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए नंबर, ज़रूरी है, और जो दूसरा पार्ट है वो 10 की पावर्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 की पावर्स में होना चाहिए। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम एग्ज़ाम्पल्स लेंगे इसके बारे में। तो चलिए बच्चों, ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला पार्ट 1 से लेकर 10 के बीच में, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका 10 की पावर्स में होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताता हूँ फॉर लार्ज नंबर्स। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन अब मैं लिख देता हूँ कि पहला पार्ट 1 से लेकर 10 के बीच में और दूसरा पार्ट 10 की इंटीजर पावर्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लार्ज नंबर्स, फॉर लार्ज नंबर्स। अब लार्ज नंबर्स के एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, मैं सिंगल डिजिट लेता हूँ आगे। ये एक लार्ज नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक लार्ज नंबर हो गया। आगे मैं एक सिंगल डिजिट ले रहा हूँ, ये भी एक लार्ज नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने एक आगे सिंगल डिजिट लिया है और आगे 0000000 लगा दिए। ठीक है, 3 के आगे कितने 0 है, 3 3 6 8। बच्चों ये जो 3 के आगे 8 0 है ना, ये प्रकाश की गति भी होती है। ठीक है, प्रकाश मतलब लाइट की गति होती है
थ्री इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड। आप आगे चल के देखोगे बच्चों, फिजिक्स में भी आप बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स देखोगे, ठीक है, जो आपको साइंटिफिक फॉर्म में मिलेंगे। तो साइंटिफिक फॉर्म का बच्चों शॉर्ट तरीका क्या है कि बड़े नंबर्स में क्या करना है आपको, ये नंबर को 1 से 10 तक मैं कैसे लाऊंगा, कि अगर मैं इस जगह पॉइंट लगा दूं 3 के बाद तो नंबर क्या हो जाएगा, 3.00000। तो सिंपली नंबर 0.00 तो हम लिखते नहीं हैं, मतलब अगर मैं 3 के बाद एक पॉइंट लगा दूं तो क्या मैं 3.00000 लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा। तो सिंपली नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो 3 हो जाएगा, और बच्चों 3 हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाना है आपको, तो 10 की आपको कैसी पावर लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। तो यहाँ पॉइंट लगाया तो इसके राइट में आपको कितने जीरो दिख रहे हैं, एक, मतलब कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सिंपली 10^+8 आ जाएगी, तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे आप 5 के बाद पॉइंट लगाना चाहते हो तो अगर 5 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 5.00000 हो जाएगा, तो 5.00000 तो लिखते ही नहीं अपन, सिंपली उसको 5 लिखते हैं। तो नंबर 1 से 10 में आ गया, और आपको 10 की कौन सी पॉजिटिव इंटीजर पावर लगानी है, जितने इस पॉइंट के आगे डिजिट्स आएंगे, तो इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 10 की पावर क्या लगेगी, +6। ये आपका साइंटिफिक फॉर्म बन गया, एज सिंपल एज दैट। इतना ही सिंपल होता है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा बड़े नंबर्स के लिए, ठीक है, इसके राइट में आपको डिजिट्स गिनने हैं, तो 7 के आगे पॉइंट लगा दूंगा तो 7.0 कितने भी जीरो 7 ही लिखूंगा उसको, इनटू में 10 की क्या पावर लगानी है मुझे, प्लस में इंटीजर इसके आगे कितने दिख रहे हैं मुझे, इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 10 की पावर +12 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो बस इसी तरीके से आपका साइंटिफिक फॉर्म आ गया लार्ज नंबर के लिए। अब आप दो डिजिट वाले भी ले सकते हो, तो 9700000। तो ये अगर मैंने लिया है तो आपको कहाँ पॉइंट लगाना है, मुझे तो 1 से 10 तक लाना है इसको, तो मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, 9 के आगे लगाऊंगा। तो बच्चों 9 के आगे पॉइंट लगेगा तो ये क्या नंबर बन जाएगा, 9.7 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 10 की मैं पावर क्या लगाऊंगा बच्चों, इस पॉइंट के राइट में कितने डिजिट्स आएंगे, 7 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 10 की पावर +7 आएगी। बस इतना ही करना होता है सब में। दो डिजिट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, 5200000000, कितना भी बड़ा ले लो, आपको पॉइंट यहाँ लगाना है तो नंबर क्या हो जाएगा, सिंपली 5.2 1 से 10 के बीच में आ गया। और अब 10 की पावर क्या लगाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पॉइंट लगाया आपने, इसके राइट में क्या आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, 1, मतलब इसके आगे डिजिट 2 आएगा, तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 की पावर क्या लगेगी, 10। इस तरीके से सिंपली साइंटिफिक फॉर्म कन्वर्ट हो गया बच्चों बड़े नंबर्स के लिए, जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो, ठीक है। दो डिजिट का ले लिया, 3 डिजिट का भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 4370000000000, कितना भी बड़ा नंबर लो, मुझे तो 1 से 10 में लाना है तो कहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, 4 के आगे। तो नंबर क्या हो जाएगा, 4.37, 1 से 10 में आ गया। अब 10 की पॉजिटिव पावर क्या लगाऊंगा बच्चों, इस पॉइंट के राइट में गिनो, पहला आएगा 3, 1, फिर आएगा 7, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो 10 की पावर आपको 12 लगा देनी है। बस आपको पॉइंट के राइट में डिजिट्स गिनने हैं। क्या करने हैं बच्चों, पॉइंट के राइट में आपको जहाँ भी पॉइंट लगाया है उसके राइट के आपको डिजिट्स गिनने हैं, और वो ही 10 की पावर लगा देनी है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 715 है और 0000000, ठीक है। तो 1-2 कम कर देते हैं, तो बच्चों पॉइंट का लगाएंगे 7 के आगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, 7.15। अब बच्चों पॉइंट के राइट में आप डिजिट गिनो, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर। तो 10 की पावर सिंपली आपको +7 लगानी। तो बड़े नंबर्स में तो बड़ा ही इजी है कि आप सबसे पहले तो नंबर को 1 से 10 में कैसे लाओगे, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। बड़े नंबर्स में क्या है, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो ये छोटा हो गया क्योंकि 0-0 पॉइंट के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और सिंपली 10 की पावर क्या लिखनी है आपको, उस पॉइंट के राइट में डिजिट गिन लो, ठीक है। या तो आप सिंपल ऐसा कर लो कि बच्चों 10 की पावर क्या आएगी, जितने डिजिट है उससे एक कम,
शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मुझे पता है इधर पॉइंट लगाऊंगा तो 3.0 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। और टोटल डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 की पावर 1 कम लेनी है तो 8 ले लूँगा। सिंपल, गिन लो डिजिट कितने हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे मेरे, यहाँ ही ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की पावर 1 कम लेनी है, 8 में 1 माइनस कर दो 7 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लगा दो। तो सिंपल इस तरीके से आप याद रख सकते हो, तो साइंटिफिक नोटेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पॉइंट लगाओ 1 से लेकर 10 में लाने के लिए, और फिर 10 की पावर क्या कर दो, जितने डिजिट है उससे एक कम कर दो बच्चों, तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो लार्ज नंबर्स की तो हमने बात कर ली, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। स्पेशल बच्चों आपकी डिमांड पे पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इससे, साइंटिफिक नोटेशन तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, ठीक है। साइंटिफिक पर्पस में बच्चों आगे चल के आप फिजिक्स में देखना, बहुत सारे कांस्टेंट आ जाएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो बोलेंगे कांस्टेंट है, साइंटिफिक कांस्टेंट है, और इसी तरीके से आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ मिलेगा वो, ठीक है बच्चों। सब केमिस्ट्री के टीचर ने तो शायद बता दिया होगा, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 6.022 × 10³, तो वो साइंटिफिक फॉर्म ही तो है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको शायद इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बताया हो, जो कि बहुत छोटा नंबर होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो बड़े नंबर में क्या करना है, पहला डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, और 10 की क्या पावर लगानी है बच्चों, जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम, एक कम। चलिए, फॉर वेरी स्मॉल नंबर्स, तो बड़े नंबर्स के लिए तो बड़े ही आसानी तरीके से हमने कर लिया। छोटे नंबर की ट्रिक बता देता हूँ बच्चों, कि आपके पास एक नंबर है 0 पॉइंट, सिंगल डिजिट लेता हूँ पहले 0000006, इसी तरीके से 3 एग्जांपल बना देता हूँ, 0.000000000005, सिंगल डिजिट वाले ले रहा हूँ पहले, है ना, 5 नहीं लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। और 0.000007। बच्चों इसकी ट्रिक भी बड़ी आसान सी है, देखो आपको क्या करना है, मुझे क्या चाहिए बच्चों, पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए था, पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, 6 के आगे, तभी तो 1 से लेकर 10 के बीच में आएगा। सिंपल सी बात है, बस इतना सा करना है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, सिंगल डिजिट का छोटा नंबर लेना है, पॉइंट यहाँ होना चाहिए था 6 के आगे, तो 6 के आगे पॉइंट होता तो ये नंबर क्या होता, 6 होता। अब 10 की इंटीजर पावर लगानी है, तो पहले पॉजिटिव पावर क्यों लगा रहे थे, क्योंकि नंबर बड़ा था, अब छोटा है तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव पावर। तो आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में डिजिट गिनने हैं, 1 पॉइंट यहाँ है और 1 पॉइंट 6 के आगे है, 6 के आगे लगाया तभी तो 6 बनाओ, ठीक है। तो कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर क्या लगा देंगे, -7। बस इतना सा ही खेल है, कि बहुत छोटा नंबर है, मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए था, 2 के आगे, तो नंबर क्या हो जाता, 2 हो जाता। अब 10 की पावर में क्या लगाऊंगा, नेगेटिव में लगाऊंगा, तो दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में 13 डिजिट्स हैं, तो मैं क्या लगा दूंगा, 10 के आगे -13 लगा दूंगा। तो बच्चों इसी तरीके से करना होता है इसे, ठीक है। यहाँ पे 7 के आगे पॉइंट लगेगा तो 7 बन जाएगा, और 10 की नेगेटिव पावर क्या लेनी है मुझे, कितने डिजिट्स हैं दोनों पॉइंट के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 की पावर क्या लगा दूंगा, -5 लगा दूंगा, तो फटाफट से मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब 2 डिजिट वाला ले लेते हैं, 0.000059। अब बच्चों बताओ मैं पॉइंट का लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो 59 हो जाएगा, तो मैं अगर नया पॉइंट यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट लगाना मत, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट यहाँ लगाता हूँ तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 5.9 हो जाएगा, 1 से लेकर 10 के बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको सिंपली दोनों पॉइंट्स के बीच के डिजिट्स गिनने हैं,
तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच के डिजिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 10 की पावर क्या लगा दो? -6। बच्चों इतना सिंपल होता है ये, देख लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.00071। ठीक है बच्चों, तो 0. ये हमने लिख दिया, हमें पॉइंट कहाँ चाहिए? 7 के बाद चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाता? 7.1 हो जाता। अब दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देख लो, कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 की पावर क्या लगा देंगे? -5। तो सिंपल, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ बच्चों इसकी। मैं आपको मेथड भी बता सकता था, लेकिन मेथड बताते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए सिंपल सा ये फंडा याद रखो, हमेशा काम आ जाएगा। तो दो डिजिट तक का भी ले लिया, अब ले लेते हैं चलो थोड़ा सा, अब तो अब हम कॉन्फिडेंस आ गया। तो चलिए अब हम ले लेंगे 0000, 3 डिजिट ले लेंगे। बच्चों कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। अब आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ तो 279 होता है, क्या वो 1 से 10 के बीच में होता है? नहीं होता है। आप बोलोगे सर यहाँ लगा दो, अरे तो वो 27.9 हो जाएगा, वो भी 1 से 10 के बीच में नहीं होता। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। यहाँ लगने से फ़ायदा क्या होगा? नंबर हो जाएगा 2.79। तो 2.79 1 से लेके 10 के बीच में है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 10 की पावर -7। दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने डिजिट्स है उतनी नेगेटिव पावर लगा दो, बस लोचा ही ख़त्म हो जाएगा। बच्चों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था 0.00279, ये पॉइंट मैंने खुद से लगाया। ठीक है, पहले से मत लगा के बैठ जाना। 0.00003 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए? 3 के आगे चाहिए, ताकि ये 3.12 बन जाए। और 3.12 बनते ही मैं तो एकदम गर्व से कहूँगा कि ये 1 से लेके 10 के बीच में है। बिल्कुल है सर। अब दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 की पावर क्या लगाएंगे? -5। बच्चों क्या लगाएंगे? -5। तो इतना सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाता है कि पता भी नहीं लगता। तो इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों जल्दी से, बिना किसी देर के। चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मेरे जो एक्सरसाइज के जो दो अच्छे क्वेश्चन बच रहे थे वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और फिर बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों बहुत डिटेल में मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन बता दिया। ठीक है, रीज़न की हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं रीज़न भी बता दूंगा। जैसे एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ मैं, कि आप बोलोगे सर ये जो नंबर है 5, 2, 7, 0, 0, 0, अब आपको इसको छोटा करना है, तो आप ऐसे अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा ना छोटा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पॉइंट चाहिए, ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ पॉइंट चाहिए तो आपको 1 के साथ कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा? 1 के साथ अगर यहाँ पॉइंट चाहिए तो 1 के साथ कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो से। तो मैं 1 के साथ 6 जीरो से डिवाइड कर दूंगा, 4, 5, 6। तो ये मैंने हवा में किया है, क्योंकि एक्चुअली में तो यहाँ पॉइंट था नहीं बच्चों, तो यहाँ पॉइंट था नहीं, तो ये मैंने हवा में किया है। तो हवा में किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो अरिथमेटिकली गलत हो जाएगा सब कुछ। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने के बाद अगर आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब डिवाइड कर दिया है तो पॉइंट आ जाएगा, ये 5.27 हो जाएगा। और बच्चों 6 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 6, जिसको हमने शॉर्टकट में क्या सीखा? पॉइंट लगा देने का सीधे। और 10 की पॉजिटिव पावर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बड़ा नंबर है और जितने डिजिट है उससे कम ले लो एक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो एक डिजिट कम ले लिया। तो बच्चों शॉर्टकट इज़ क्वाइट बेटर, ठीक है, अनलेस आप इस चीज़ को फिर ज़बरदस्ती सीखो। तो उससे अच्छा है
कि वी शुड लर्न हाउ टू डू इट फास्टली। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जो हमारे एक दो IMO लेवल के क्वेश्चन बच रहे थे एक्सरसाइज के। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन लेवल टू में बच्चों चार क्वेश्चन है, जिसमें से आपको पहला और चौथा ही करना है, क्योंकि बाकी इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 5x7 y5 ठीक है, इनटू 10a3 x2 होल पावर -3 divided by 2 x5 y3 into 6 a² y होल पावर -2 ठीक है। और ऑप्शंस में लिख देता हूँ बच्चों, 25/6 xy4 25/4 x²y3 9/100 a²xy 9/100 a इंटू y/xa4 ठीक है, इंटू है बीच में। चलिए बच्चों ट्राई करिए इसको। तो बच्चों ट्राई कर देंगे अपन, तो अपने को पता है कि ये तो ठीक है, कोई पावर नहीं है इसके ऊपर, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा के होल पावर नेगेटिव है और यहाँ भी ब्रैकेट लगा के होल पावर नेगेटिव है। तो बच्चों जब होल पावर नेगेटिव होती है तो हमें डर लगता है, तो उसको पॉजिटिव करने का क्या मंत्र है कि रेसिप्रोकल कर दो। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना, ठीक है। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये तो बेचारा सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5x7 और y5 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। ये भी ऐसा कैसा लिख देंगे बच्चों, 2x5 y3 ठीक है, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं चढ़ी हुई, तो ब्रैकेट खोल के भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको अगर मैं नीचे लिख दूंगा, अगर सेम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है उसको अगर मैंने नीचे लिख दिया, मतलब रेसिप्रोकल लिया, तो पावर माइनस थ्री की जगह क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, प्लस थ्री लिखूंगा। सिमिलरली बच्चों 6a² y नीचे था, इसको अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में लिख देता हूँ तो इसकी होल पावर को मैं क्या लिख दूंगा, -2 की जगह +2 ठीक है। तो अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है मुझे, तो उससे पहले मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ कि इनको छोड़ो अभी, ये दोनों ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि 6a² y का मतलब क्या है कि ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, 6 a² y, तो मल्टीप्लिकेशन में जो सर पे नंबर होता है वो सबके सर पे गिरता है, ये हमको पता है। यहाँ पर भी 3 होल पावर में है, ब्रैकेट से सेपरेशन है, ब्रैकेट है ना उससे ये पावर 3 का सेपरेशन है, तो ये पावर 3 भी सबके सर पे गिरेगी, ठीक है बच्चों। तो उसको तो करना ही है अगली स्टेप में, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों क्या इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, एक्स ऊपर दिख रहा है एक्स नीचे दिख रहा है, तो सेम बेस होता है, तो बच्चों सॉल्व करना हमें आता है, ऊपर पावर ज़्यादा है तो पूरा x5 कट जाएगा और ऊपर 7-5 क्या दे देगा आपको, 2 दे देगा। सिमिलरली नीचे y3 है वो पूरा कट जाएगा क्योंकि ऊपर y ज़्यादा है और 5-3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये 5 और 2 में तो कुछ कॉमन नहीं था, तो इसको अगली स्टेप में मैंने फिर से लिख दिया, लेकिन नीचे तो सब 1 हो गया, x2 हो गई और y भी क्या हो गई, 2 हो गई। चलिए अब पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये जब दो बच्चों 6 के सर पे गिरेगा तो 6/2 क्या होती है, 36 होती है, क्या होती है, 36। अब ये दो गिरेगा
ए की पावर 2 पे, तो ए के ऊपर ऑलरेडी पावर है, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वाई के सर पे गिरेगा तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। सिमिलरली इस पे भी पावर गिरा देते हैं, तो ये 3 जैसे ही 10 पे गिरेगा तो 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000, क्या होता है बच्चों, 1000। अब ये 3 गिरेगा इस पे ए की पावर 3 पे, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर है, तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की पावर 3 इंटू 3 क्या होती है, 9 होती है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होती है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई होती है। ये 3 2 पे गिरेगा तो पावर के ऊपर पावर, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं बच्चों, फर्दर इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करिए, ठीक है। तो नंबर से नंबर काटने की कोशिश करते हैं, अब मुझे सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, 5, 36, 2 और 1000। तो 2 से मैंने 36 काटा, 18 टाइम्स में कटेगा, 5 से मैं 1000 काटूंगा तो 1 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 200। 18 से मैं बच्चों 200 काटूंगा तो 18 9 टाइम्स में, और 200 100 हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि नंबर्स को सिंप्लीफाई करके 9/100 आ रहा है, तो 9/100 किस ऑप्शन में, या तो इसमें इसमें, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। मैं पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों ये हमको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा नंबर्स सारे सिंप्लीफाई होके क्या दे रहे हैं, 9/100। अब मैं वेरिएबल्स को भी कर लेता हूँ सिंप्लीफाई, ठीक है। 9/100 मुझे नंबर्स हो रहे हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब उसके बाद वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की पावर 6 है, पावर ज़्यादा कहाँ है, नीचे, तो ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगी, 6 - 2 4 हो जाएगी, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 4 हो जाती है, ठीक है, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अब बच्चों एक्स की पावर 4 में लिख सकता हूँ नीचे चाहूँ तो, ठीक है, एक्स की पावर 4 आएगा इधर, क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा थी तो नीचे आएगा वो माइनस हो के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, एक वाई स्क्वायर देखूँ तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना होता है, वाई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर क्या होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ऊपर क्या आएगा, वाई की पावर 4। तो ऊपर भी वाई की पावर 4 आ रहा है, नीचे एक्स की पावर 4 आ रहा है। अब बच्चों ए देखूँ तो ए क्या है, ए डिवाइड में है, और पावर कहाँ ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, तो ऊपर वाला ए की पावर 4 पूरा कट जाएगा, और नीचे 9 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, 5, मतलब नीचे क्या आएगा, ए की पावर 5 आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अब यहाँ क्या है कि हम देख रहे हैं कि सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम स्टाइल से करेंगे कि इस एक की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे, ए की पावर 5 को लिखेंगे हम ए इंटू ए की पावर 4 लिख सकता हूँ बच्चों, ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 4 ए की पावर 5 ही तो होता है। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा क्रांतिकारी ख्याल क्यों आया मेरा कि ए की पावर 5 को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शन बनाना है। अब बच्चों तीनों की पावर क्या है, तीनों एक्सप्रेशन की पावर क्या है बच्चों, 4 है, और सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 9/100 ए इंटू, सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में और सबकी पावर सेम है, तो वाई अपॉन एक्स की पावर 4। बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्स ए और एक्स एक ही बात होती है बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया ताकि आपका दिमाग खुले ऐसी चीज़ों को भी करके, ठीक है बच्चों। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं करा रहा है वो, उसके बाद वो देख रहा है। वैसे तो आप यहाँ तक आंसर आने के बाद ये तो बिल्कुल ही नहीं लगाते, मैं देखूँ कि अगर मेरा यहाँ तक आंसर आया तो ये तो आ ही नहीं सकता, इसमें नीचे एक्स की पावर 4 है, उसमें तो है ही नहीं एक्स की पावर 4, ठीक है बच्चों, वाई की पावर 4 भी नहीं है उसमें, तो वैसे भी काट सकते थे, लेकिन हमने दिमाग लगा के वैसे कन्वर्ट किया। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, चलिए बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।